All right, welcome back, guys. And it's a big question, and nation really wants to know how Mr. Modi will manage this. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people. So it's going to be very exciting. I hope you all enjoyed it. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे पीछे पड़ गया ये सड़ा हुआ संतरा हमारे चचा के 7 मिलियन 7 मिलियन we'll have about 7 million people. अरे कहां से लाए 7 मिलियन भोसड़ पप्पू के लिए? I'm not gonna feel so good because he thinks we'll have 5 to 7 million people. बस संतरा में सिचुएशन कैसी है? घरों में होता ना किसी रिश्तेदार आके जाते हैं, आप लंबी लंबी छोड़ के आ जाते हो, कह रहे आप आओ तो सही, हम बताएंगे आपको खातिरदारी क्या होती है, आप आओ तो सही, और रिश्तेदार सच में आ जाता है और बोलता है भाई क्या, वैसे ही ट्रंप भी बोल रहा है. We'll have about 7 million people, so it's going to be very exciting. चुप कर बात कर. मैं सच बता रहा हूँ, ये पिलपिला सड़ा हुआ संतरा ना मोदी जी की मौज ले रहा है. To the new stadium. ये सच में देखो, ये देखो, ये मजे ले रहा है. From the airport to the new stadium. उनके बाप का जो कहेंगे तो करेंगे क्या? चचा ने गलत आदमी को गोली दे दी इस बार. Enjoy it. Are you going? No, I want real India. Poor people, hungry people. You know, Trump said this twice that Mr. Modi going to arrange 7 million people for him. I mean, come on, he's going to Ahmedabad. The total population of Ahmedabad is 55.7 lakhs if you Google it right now. Come on. How Mr. Modi will arrange this? Aram Mitra, 7 million, 7 million, बोल बोल के इस पिलपिले पपीते ने मेरे दिमाग का दही कर दिया है. क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? Shut up, Mitra. You know, Mr. Modi is spending so much money on his welcome. US President Donald Trump पहली बार भारत आ रहे हैं और आते ही वॉशिंगटन से पहले आते ही यहाँ पे गुजरात में लैंड करेंगे, गांधी आश्रम जाएंगे, वहां से फिर मोटेरा स्टेडियम जो कि यहाँ पे उनका रोड शो खत्म होगा. बट इफ यू गो टू द सोशल मीडिया पेजेस, दिस टाइप ऑफ वेलकम मिस्टर ट्रंप इज रिसीविंग. इफ यू सी मी कमिंग, बेटर स्टेप असाइड. एंड ऑल देम डिडंट. सबसे फनी तो चिकारा भाई लग रहा है, मजनू भाई के गेटअप. चल बैठ चुतिया. चुतिया, मैं अपने दोनों शेरों के लिए ये तोहफा लाया हूँ. थैंक यू सर. आज की पार्टी में जबरदस्त डांस होगा, गाना होगा. लेकिन इसका तो कोई इंतजाम नहीं किया है सर. नॉट टू वरी उदय, अभी हम जिंदा हैं. अरे मैंने कहा था 7 मिलियन लोग आपका वेट कर रहे हैं जी, या पिलपिली नारंगी समझो कि 7 मिलियन लोग इसे रिसीव करने आएंगे. अब मेरी क्या गलती है मित्रों? बट यू नो गाइस, देयर इज वन फैन ऑफ ट्रंप, इफ यू रिमेम्बर, हिज नेम इज बुसा कृष्णा. माफ कीजिए, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना. एंड ही इज फ्रॉम तेलंगाना. रिमेम्बर, ही मेड द आइडल ऑफ ट्रंप एंड ही इज वर्शिपिंग इट. इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना. Remember those visuals? Last year I showed it to you. Call daddy. అన్న నేను చెప్పాను, అంటే మా డాడీ ఏమన్నాడు, మా డాడీ మా మమ్మీ మారో ముజ్జు మారో మారో ముజ్జు మారో మారో. ఈ సమస్య సే నికల్నే కాయేగి సమాధాన్. ఇస్ భాయ్ కు మిలా దో ట్రంప్ సే, యే పిల్పిలా సంతరా ఖుష్ హో జాయేగా, ఔర్ ఐసే 7-8 లోగో కా ఏక్ గ్రూప్ బనా దో, ఔర్ బోలో కి యే గ్రూప్ కా నామ్ హై 7 మిలియన్, ఔర్ మిల్వా దో ట్రంప్ సే. కైసా హై? చల్ బ్యాక్ చుతియా. చుతియా, రిమెంబర్ ద హ్యాండ్ షేక్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ టైమ్ వెన్ హి వాస్ మీటింగ్ ద పోర్చుగల్ మినిస్టర్? इस बार भी मोदी जी संतरे का ऐसे हाथ पकड़ के जूस निकाल ले तो मजा आ जाए. ये भी जानता है, ये भी मजे ले रहा है, मनी मन ट्रोल कर रहा है चचा को. थिंग्स विल हैव 5 टू 7 मिलियन पीपल जस्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द न्यू स्टेडियम. अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई. ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट आर्ट. या कम ऑन, यू नो फ्यू डेज बैक वी वर टॉकिंग अबाउट द रिक्रिएशन ऑफ राजा रवि वर्मा's आर्ट. Remember those pictures, the pictures of South Indian heroines? Wow, kya scene hai. I mean, they were damn beautiful and we need that kind of a recreation. But wait here. देखो ये जिसको जो पहनना है, किसी को बोलने की हमारी कोई औकात नहीं है, देश स्वतंत्र है, जो जो पहनना चाहता है पहने, तू भी नंगा घूमा. चल फट चुती है. नहीं बट नहीं, पर अभी रिसेंटली डब्बू रत्तानी का कैलेंडर आया. अरे माधव चौधरी विकास, और डब्बू का डब्बा बना दिया लोगों ने, गाली दे दे क्या. नकल मार के विकास होगा.
अपने दिमाग का यूज करने से विकास होगा. एंड द बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ दिस वीक द पिक्चर ऑफ कियारा आडवाणी. आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज. अरे लोग भड़क गए कि ये क्या किया इसने प्रीति के साथ. डब्बू माजर चोर. But let me tell you, we have no right to say what to wear, what not to wear. She's completely free. Saab Changasi. ये कबीर सिंह के लिए प्यार है जी लोगों का. मतलब जिस पत्ते ने पिटी को टच किया था ना उसके पीछे कबीर को दौड़ा दिया. इसने टच किया उसका मदर चोर. फिर दौड़ चढ़ा संस्कारों का. ये देखो ये भी देखो. ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं. अरे पर ये कैसा आर्ट है. केले के पत्तों का सहारा तो आदमी तब लेता है जब नहाने के बाद कपड़े को चुरा के ले जाए. क्या किया इसने हमारी प्रीति के साथ डब्बो. मेरा इसमें कहना है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. चुतिया के नाम पे आर्ट करते हैं, आर्ट के नाम पे चुतिया करते हैं. ओके गाइस लेट मी टेल यू ऑस्कर्स आर डन एंड ही वन द बेस्ट एक्टर. व्हाट अ गोल्ड. And I think that's when we're at our best, when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other towards redemption. That is the best of humanity. But equivalently, there is one more guy who is the best actor, and he is in India. We'll tell you before the show gets over. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू आई सॉ पैरासाइट एंड इट्स अ माइंड ब्लोइंग मूवी. जस्ट लव्ड इट. वाह क्या सीन है. बट गाइज वेट आई फाउंड अ रियली थिन रिलेशन बिटवीन दिल्ली पीपल एंड पैरासाइट. No, why? Because this guy, Sudhir Chaudhary, was calling Delhi people Muft Khor because they are not voting for Mr. Modi. Yeah, remember that one? Delhi wale ab bhi Muft ke offers dene wali party ko hi chunna chahte hain. Unhe sab kuch Muft mein chahiye. Ye movie waisi hai. Kuch parasite ek ameer family mein chipak jate hain aur apna khana kharcha nikalte rehte hain. Samanya mein bura hai ka. But hum aapko kyun bata rahe hain? Hum to bas isko tatti bolna chahte hain. Parasite won the best picture in Oscars. It's a Korean movie, South Korean movie, foreign language movie. Come on, where are we? And just yehi to nation wants to know. Tumbal aur Super Deluxe jaisi movie ko hote hue ye Nalli Boy, sorry Nalla Boy, sorry Talli Boy. अरे छोड़ो यार, क्यों भेजी इसको? क्या reason था? My first choice is Super Deluxe and second is Tumbal. Why they sent Gully Boy? I mean, come on. And some people are saying that Zoya Akhtar was the member of the jury. I mean, really, is that true? और अगर ऐसा है तो भैंचोद अपनी पिक्चर को आगे बढ़ाए, उसकी याद आ गई. ये बिक गई है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है. ये भैंचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे. You know, let me tell you something. Film fairs are sold out. We know that. I mean, listen to Bhai. Come on, Bhai is so accurate this time. आज के इंटरव्यू पे ये मैगजीन चल रही है, वही आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये गोइंग गिव यू एन अवार्ड, यू कम एंड परफॉर्म दिस दैट ये, एंड देन दे सेल इट टू पांड पराग और मानिकचंद व्हाटएवर, एंड वी आर लाइक इडियट्स इन ऑन देन सूट गुड पहन के बैठे हैं और अवार्ड ले रहे हैं. एंड यस मिस्टर आमिर खान ही ऑलवेज बॉयकॉट दीस अवार्ड्स. लिसन टू हिम. संस्था मुझे इज्जत दे रही है, पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उनसे खुश होऊंगा कि इन्होंने मुझे इज्जत दी है. और जहां पे मुझे इज्जत नहीं मिलती और जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल में मान नहीं है किसी संस्था के लिए, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ना अपना अपमान करने ना उनका अपमान करने, मैं इन चीजों से दूर रहता. वो सब छोड़ो, बोबड़ी भी गाली दे रही है हमारी. मतलब बोबड़ी बोल रही तो सही होगा यार. और व्हाट फंक्शंस, एक नंबर के फ्रॉड है आप लोग. And people are complaining how ridiculous is that. They were boycotting film fair. They're saying that, you know, songs like Teri Mitti, performances like Mardani and Kabir Singh, they were not there. Gully Boy is winning. अव्वल दर्जे का चूतियापा भैंचोद, बिल्कुल फॉलो मत करो. घाघरा पहन के नाच गाना करते, मतलब नेशन डज नॉट वॉन्ट दिस. टट्टी ये तो टट्टी है. बट देयर इज वन थिंग द एंटायर कंट्री इज टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज दीवार. Because Mr. Modi is building it for Trump. 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आ रहे हैं. गुजरात में उनके भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है. इसे लेकर अहमदाबाद में बनाई जा रही एक दीवार को लेकर
अब विवाद खड़ा हो गया है। मैं बता रहा हूँ 100 करोड़ से ज्यादा मोदी जी इसके स्वागत पे खर्च कर रहे हैं। ये भोसड़ पप्पू बहुत गिरा हुआ आदमी है, ये अपने प्रमोशन के लिए आ रहा है, चूना लगा रहा है हमारे प्यारे मोदी जी को। कि ट्रंप को चमकते भारत में गरीबी और गंदगी का पैबंद ना दिखे, लिहाजा ये दीवार खड़ी की जा रही है। आगे दीवार खड़ी करेंगे और ट्रंप निकलेगा तो ट्रंप क्या भेजो प्लेन से नहीं आएगा, देख नहीं सकता ऊपर से कितने स्लम्स हैं यहाँ पे, स्लम डॉग मिलेनियर भी लगी हुई है यार, मतलब क्या चुतिया पाया। यहाँ पे रोलर जम गुजरने वाले हैं यहाँ से, तो उनको ऐसा लगना चाहिए यहाँ गंदगी बस्ती नहीं देते, वो हमको ढकने के लिए दीवार बना रही है। क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? और मतलब ये उनके आगे दीवार खड़ी करने से चलो उनको क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? जहाँ पे रोलर जम गुजरने वाले हैं यहाँ से, तो उनको ऐसा लगना चाहिए यहाँ गंदगी बस्ती नहीं देते, वो हमको ढकने के लिए दीवार बना रही है। And now let's talk about the best actor. हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ। हाँ जी, फिनिश करने से पहले एक्टिंग में तो मेरा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, मोदी जी के इक्विवेलेंट जा रहा हूं मैं। अब तो मैंने एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी शुरू करी है। शपथ ग्रहण समारोह देख लो आप मेरा, मतलब क्या है इतना भोला भाला, भोली सी सूरत, आंखों में चमकी, दूर खड़ा मुस्कुरा के होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy raw, mere friends, meri jaan. And yes, TikTok is a threat for nation. I'm going to knock your fucking head off. Okay, last week the most trolled person on the internet was Mr. Manoj Tiwari because of the Delhi laws. And now, our favorite, Tulsi. Sab achha hai. Are, kyunki gas bhi kabhi cylinder thi, ab kyun nahi bol rahi hai Tulsi? Meri zaban toot gayi yaar. Okay guys, as you know that in past 45 years, the unemployment rate is the highest. Alright, now. एक और बात जान के आपको हार्दिक प्रसन्नता होगी कि पिछले 5 सालों में एलपीजी गैस की कीमत भी अब सबसे ज्यादा हो गई है, थैंक्स टू मोदी जी। एक फकीरी है इनमें, ये फकीरी है। सिलेंडर के दाम का बोझ बढ़ गया है। एलपीजी रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में 144.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। और ये तुलसी जो येल के सर्टिफिकेट को डिग्री समझ रही थी, एक टाइम पे गैस की टंकी लेके रोड पे बैठ जाती थी ऐसे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। उस टाइम एलपीजी सिलेंडर के दाम सिर्फ 7 रुपए बढ़े थे और तुलसी रोड पे बैठ गई थी, अब तो 144 बढ़ गए। कहाँ बैठेगी तुलसी? नेशन वांट्स टू नो। चुतिया, आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था। गाली भैया, मेरा मुंह गाली खा गई। अरे अब प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है तुलसी? 714 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 858.50 रुपए में मिलेगा।